हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आज हम आपको घड़ी के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। दो तरह की घड़ियां होती हैं, एक हाथ में पहनने वाली और दूसरी दीवार पर टांगने वाली होती है। आज हम आपको हाथ में पहनने वाली घड़ी के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। सभी जानते हैं कि घड़ी हाथ में बाएं तरफ पहनी जाती है। बहुत से लोग पहनते भी बाएं हाथ में घड़ी, लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात जरूर आती है कि बाएं हाथ पर ही क्यों घड़ी पहनी जाती है। इसके बारे में कुछ बातें से पहले हम आपको उस समय के बारे में बताएंगे जब घड़ियों को हाथ में पहनने से पहले पॉकेट में रखा जाता था। आपने पहले समय की काफी सारी चैन वाली घड़ियां जरूर देखी होंगी। उन चैन वाली घड़ियों को जेब में रखा जाता था। जब भी किसी को भी टाइम देखना होता था तब पहले वह अपने जेब से घड़ी निकालता था और फिर टाइम देखा जाता था। यह चलन काफी समय तक चलता और ऐसा भी कहा जाता है कि यह जेब में घड़ी रखने का चलन सिर्फ बड़े और अमीर लोग ही रखते थे। फिर इसके बाद हाथ पर घड़ी बांधने का चलन आया था। बाएं हाथ पर घड़ी बांधने का चलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि ज्यादातर लोगों को दाएं हाथ से ही काम करना होता है। यही वजह थी कि घड़ी बाएं हाथ पर बांधना शुरू हो गए थे। काफी सारे लोग दाएं हाथ से काम करते हैं। जब हम दाएं हाथ से काम करते हैं और व्यस्त होते हैं तो तभी बाएं हाथ में घड़ी पहनी हुई ठीक रहती है और हम आसानी से टाइम देख सकते हैं। इस तरह हमारा काम भी दाएं हाथ से चलता रहता है और टाइम बाएं से देखना चलता है। बाएं हाथ में ही लोग घड़ी पहनना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से घड़ियां भी उसी हिसाब से बनाई जाने लगी थी। आज भी यह चलन ऐसा ही है और घड़ियां इसी वजह से बनती हैं। जब आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो आपकी घड़ी भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि घड़ी बाएं हाथ में पहनने से आपकी घड़ी में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। घड़ी के गंदे होने, स्क्रैच लगने और काम की जगह जैसे टेबल पर टकराने की संभावना भी कम हो जाती है।